नमस्कार मित्रों, कृति सेनन, तब्बू और करीना की फिल्म क्रू का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। वैसे इसे ट्रेलर कहना पाप होगा क्योंकि ये ट्रेलर नहीं है बल्कि 2 मिनट और 44 सेकंड में ही पूरी फिल्म आपके सामने प्रस्तुत कर दी गई है। ट्रेलर देखने के बाद आप चाहें तो फिल्म को देखने के लिए जाएं और ना चाहें तो ट्रेलर में ही सब दिखा कर आपके पैसे बचाने का पूर्ण प्रबंध निर्माताओं ने कर ही दिया। ये फिल्म कॉमेडी के साथ साथ संकटग्रस्त एयरलाइंस इंडस्ट्री के विषय को भी उठा रही है। कृति, तब्बू और करीना तीनों ही कोहिनूर नाम की एयरलाइंस में काम करती हैं और इस एयरलाइंस का मालिक है विजय वालिया। विजय वालिया नाम से आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा और जो याद आ रहा होगा वो है विजय माल्या, जो कि करोड़ों का पैसा लेकर ब्रिटेन भाग गया है। कभी वो किंगफिशर एयरलाइंस का मालिक हुआ करता था, तो संभवतः उसी को ध्यान में रखकर विजय माल्या से विजय वालिया किया गया है और किंगफिशर से कोहिनूर कर दिया गया है। तो कोहिनूर एयरलाइंस की हालत बहुत खराब है, आर्थिक रूप से वो अक्षम हो चुकी है। ऐसे में ये जो तीन कैरेक्टर हैं तब्बू, कृति और करीना के, इनको बिना सैलरी के बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फिर अचानक से इन्हें किसी आदमी के पास से बहुत सा सोना मिल जाता है, मतलब वो सोना चुरा लेती हैं और उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन अब उन्हें कोई पकड़ ना ले इस डर में ही वो जी रही हैं और इसी डर का आधार बनाकर ये फिल्म हंसाने का प्रयास करती है। मित्रों, मैंने ट्रेलर देखा, देखकर लगता तो है कि हंसाने का प्रयास करेगी ये फिल्म, लेकिन सच कहूं तो ट्रेलर देखते हुए मुझे एक पल के लिए भी हंसी नहीं आई। कुल मिलाकर इसका ट्रेलर साधारण ही है। फिल्म देखने के लिए उत्सुकता जगाता हो ऐसा कुछ नहीं है। अब देखना होगा फिल्म कैसी रहती है, शायद फिल्म में कुछ अच्छा दिखा दिया जाए, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम है क्योंकि फिल्म की सारी कहानी ट्रेलर में ही बताई जा चुकी है और जो कुछ भी हमें ट्रेलर में देखने को मिला बस इसका ही बड़ा स्वरूप हमें फिल्म में देखने को मिलेगा। पर फिर भी प्रतीक्षा करते हैं फिल्म के रिलीज होने की, फिर हम लोग बात करेंगे, देखते हैं इसमें क्या क्या दिखाया जाता है। मित्रों, यदि आपने ट्रेलर देखा है तो आपको कैसा लगा वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखा आपने इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय मां भारती।